ट्रिग्नोमेट्री के ना 5 to 8 marks का क्वेश्चन आता है, सो कम ही होता है कि 5 marks का, यूजुअली 7-8 number आ रहे होते हैं हमारे हर पेपर में। अच्छा, पहली बात, इस ट्रिग्नोमेट्री का ओ लेवल्स वाली ट्रिग्नोमेट्री से बिल्कुल भी कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। ओ लेवल्स में हम आपको डिफरेंट चीजें करवाते थे, हम आपको साइन रूल, कॉस रूल और इस तरह की चीजें करवाते थे, बेरिंग्स हो गए, इस तरह की डिफरेंट चीजें, नहीं एंगल ऑफ एलिवेशन, डिप्रेशन हो गया। यहाँ पे ए लेवल्स में उससे रिलेटेड कुछ भी नहीं है, यहाँ पे एक डिफरेंट चीज हम करेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री के लिए आपको सबसे पहली बात, आपके पास एक होना चाहिए ग्रिड, ये हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। आज के बाद हम कोई भी एंगल मेजर करेंगे तो वो हम ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस जहां पे मैंने 0 लिखा है वो एंगल यहां से मेजर होना स्टार्ट हुआ करेगा। अगर तो आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है, तो वो एंगल जो है वो पॉजिटिव आया करेंगे। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो आपके पॉजिटिव एंगल्स आएंगे, मतलब यहाँ पे 90 आएगा, यहाँ पे 180 आ जाएगा, यहाँ 270 आएगा और यहाँ 360 आ जाएगा, एंड यू आर अलाउड टू गो इनफिनिट मेनी साइकिल्स, आप जितने मर्जी साइकिल्स इस डायरेक्शन में जा सकते हो। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, ठीक है, अगर आप कभी भी क्लॉकवाइज जाएंगे तो आपके पास नेगेटिव एंगल्स मिला करेंगे आपको, सो दिस विल बी -90, -180, -270 एंड -360, और आप माइनस में भी जितने मर्जी साइकिल्स आप जा सकते हो, ठीक है। सो एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो पॉजिटिव एंगल्स आते हैं, क्लॉकवाइज जाएंगे तो नेगेटिव एंगल्स आते हैं, और जीरो हमेशा यहीं पे होगा जहां पे मैंने लिखा है, यहीं से हर एंगल स्टार्ट होगा दुनिया का आज के बाद, ठीक है। अच्छा, नंबर वन। नंबर टू, अब क्योंकि हम सारी बातें पॉजिटिव एंगल्स के अकॉर्डिंगली करेंगे, तो बेटे हम जब जीरो से पॉजिटिव में चलना शुरू करते हैं तो ये सबसे पहले ये वाला पोर्शन आता है हमारे पास, जिसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, क्योंकि हमने पूरे सर्कल के 4 हिस्से कर दिए पूरे एक राउंड के, और इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। दिस इज आवर सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज द थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट। अब ये इन क्वाड्रेंट्स के परमानेंट नेम्स हैं, डजंट मैटर आप पॉजिटिव में जा रहे हो या नेगेटिव में जा रहे हो, ये जहां पे मैंने लिख लिए, पहला क्वाड्रेंट ये होता है, सेकंड अपर लेफ्ट कॉर्नर होता है, थर्ड जो होता है लोअर लेफ्ट कॉर्नर होता है, फोर्थ जो होता है लोअर राइट कॉर्नर होता है, ठीक है। इनको इसी तरह आपको याद होना चाहिए, एंड अगर क्वेश्चन कहीं पर रेफर करता है जी थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, तो थर्ड क्वाड्रेंट का आपको पता होना चाहिए वो वही रहेगा, डजंट मैटर चाहे आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी जा रहे हो, थर्ड क्वाड्रेंट ने वहीं पे रहना, ठीक है, चाहे आप नेगेटिव एंगल के लिए भी जा रहे हो तो भी। तो क्योंकि क्वाड्रेंट्स के जो नाम है वो हमने पॉजिटिव वाली साइड से उनको नेम किया हुआ है, ठीक हो गया, ओके। और अब हम देखते हैं, एक तो पहली चीज तो हमने ये देख ली कि हमारे किसी भी एंगल को हमने मेजर करना है तो जीरो से मेजर किया करना है, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किया करना है, एंटी क्लॉकवाइज में किया करना है तो पॉजिटिव आएंगे, क्लॉकवाइज में करेंगे तो नेगेटिव आएंगे। उसके बाद सेकंड चीज ये है कि हमने क्वाड्रेंट्स को नाम किया होना चाहिए, नेम किया होना चाहिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट्स के नाम याद कर लें। नेक्स्ट बात, हमारे पास इन क्वाड्रेंट्स का एक और प्रॉपर्टी है जो यूज करनी होती है हमने, देखिए जिसमें फर्स्ट वाले में ऑल पॉजिटिव होते हैं, दूसरे वाले में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, तीसरे वाले में टैन पॉजिटिव होता है, और चौथे में कॉस पॉजिटिव होते हैं। अच्छा, ऑल का मतलब क्या है, साइन कॉस टेन सारी चीजें जो है बेटे वो पॉजिटिव होती हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, ठीक है। सेकंड वाले में बेटे सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, कॉस और टेन नेगेटिव होते हैं, ठीक है। थर्ड वाले में बेटे सिर्फ टेन पॉजिटिव होता है, साइन और कॉस नेगेटिव होते हैं, ठीक है। और फोर्थ वाले में बेटे कॉस पॉजिटिव होता है और साइन और टैन नेगेटिव होते हैं। सो इनके प्लस माइनस के कुछ क्वाड्रेंट्स के रूल्स होते हैं कि पहले क्वाड्रेंट में साइन कॉस और टैन ऑफ एनी एंगल स्टेज पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में अगर कोई एंगल है तो उसका सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, उसका कॉस और टैन जो होता है वो नेगेटिव होता है, और सिमिलरली आगे चलते जाते हैं। तो पहले तो ये दो टेबल देख लो और इनको हल्का सा मेमोराइज करो, ठीक है। अच्छा, ये ए एस टी सी जो है इसको याद करने के ना छोटे छोटे निमोनिक्स होते हैं, कोई कुछ याद करता है कोई कुछ,
I just like, you know, follow one, उसको बोलते हैं all science teachers crazy. ठीक है. So it's just a funny mnemonic which makes you memorize the order of A, S, T and C, चारों quadrants का ना, कि पहले वाले में all होंगे, दूसरे में sin होगा, तीसरे में tan होगा, चौथे में cos होगा. ठीक हो गया. अच्छा, अब हमने दो बातें याद करनी, कोई भी एंगल कहां से मेजर हुआ करेगा, जीरो से एंटी क्लॉकवाइज, और दूसरी बात हमने ये याद कर ली कि जो भी एंगल होगा उसके अंदर साइन कॉस टेन किस तरह पॉजिटिव नेगेटिव होंगे वो अभी हम देखते हैं. ऑल राइट, आई वॉन्ट टू स्टार्ट विद अनदर थिंग. अच्छा, अब हम प्रैक्टिस करते हैं कि किसी भी एंगल की वैल्यू कैसे बताते हैं. ओके, अच्छा कुछ एग्जांपल्स करते हैं जिसमें हम कुछ एंगल्स की वैल्यूज बताने की कोशिश करेंगे. सो फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहां पे लिख लूं मिट्टी 30, तो इस एंगल की ओरिजिनल वैल्यू क्या होगी? इस एंगल की वैल्यू 30 नहीं होगी. अब बेटे हमने सीखा, हमने कहां से चलना शुरू करना है बेटा, जीरो से चलना शुरू करना है. किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप चलोगे, और ये आपकी डायरेक्शन आ रही होगी, ये आपकी ओरिजिनल एंगल की वैल्यू होगी. सो दिस एंगल वैल्यू इज थीटा, इज देखिए कितनी है, 90 प्लस 30 कितनी आ गई, 120. तो ये इस एंगल की वैल्यू है, दैट इज 120. ठीक हो गया. अच्छा, अगर ये एंगल यहाँ पे ना होता, अगर ये किसी और क्वाड्रेंट में होता, सो फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे होता और यहाँ पे लिखा होता 10, तो अब इस एंगल की वैल्यू देखें, बताएं जीरो से चलेंगे, अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे, और सॉरी जीरो से चलेंगे, आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे, और ये एंगल आप फाइंड करना चाहते हैं, तो देखिए कितना एंगल आएगा. दिस एंगल विल बी, थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 260. थीटा की वैल्यू आएगी 260. सो कोई भी एंगल अगर आपने फाइंड करना है, तो आपने जीरो से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उस एंगल तक जाने की कोशिश करनी है. जितना आपको जीरो से ट्रेवल करना पड़ेगा, दैट विल बी द फाइनल एंगल. सो लेट सपोज ये 30 है, ये एंगल फाइंड करेंगे, तो ये एंगल कितना आएगा, यहाँ पे थीटा की ओरिजिनल वैल्यू कितनी होगी, 330. तो आज के बाद हमने कोई भी एंगल मेजर करना होगा बेटे, तो हम हमेशा जीरो से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो एंगल मेजर किया करेंगे. सो फॉर एग्जांपल, एक और लास्ट एग्जांपल देखते हैं. सो इफ दिस इज लेट्स सपोज 20, तो अब आपका ओरिजिनल एंगल कहां पे होगा बेटे, जीरो से एंटी क्लॉकवाइज, ये एंगल आ गया आपके पास, दिस एंगल इज गोइंग टू बी, थीटा की वैल्यू कितनी आ रही होगी यहां से आपके पास, 70, बिकॉज ये 70 आ रहा होगा ना. अब मैं बात करना चाहता हूँ एक और एंगल के ऊपर. सो दुनिया में हर एंगल की दो वैल्यूज हुआ करेंगी. सो एवरी एंगल हैज टू मेन वैल्यूज. एक तो होती है जी उसकी थीटा वैल्यू, इसको हम इसको बोलते हैं इसकी ओरिजिनल वैल्यू है, जो ये अभी ग्रीन वाली नीचे मार्क्ड है. तो एक तो होती है उसकी थीटा वैल्यू, जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू है. फिर दूसरी वैल्यू होती है उसकी, जिसको अब हम पढ़ेंगे, और इसको बोलते हैं बेटे बेसिक एंगल. ले जी, ये हम सबसे इंपॉर्टेंट बात करने लगे हैं, इसको जरा गौर से सुनिएगा. बेसिक एंगल, नहीं, बेसिक एंगल का बेटे सिंबल होता है अल्फा. ठीक है, ये सिंबल है इसका अल्फा, ये देख लें अल्फा, ग्रीक सिंबल है. ठीक है, सो बेसिक एंगल का सिंबल होता है अल्फा. और बेसिक एंगल होता क्या है, इट इज द एक्यूट एंगल विद एक्स एक्सिस, एक्यूट एंगल विद एक्स एक्सिस. ठीक है, एक्यूट एंगल विद एक्स एक्सिस. अब देखते हैं सर, फॉर एग्जांपल बेटी ये पहली वाली एग्जांपल देखिएगा, ये ओरिजिनल वैल्यू तो इसकी 120 आ रही है जीरो से लेके. मुझे बताइए इस लाइन का एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बन रहा है,
इस लाइन का एक्स एक्सिस के साथ ये वाला एंगल क्या बन रहा है, ये देखें 60, तो बेटे ये आपका अल्फा होगा, ये इसकी बेसिक एंगल की वैल्यू होगी। दुनिया में हर एंगल की दो वैल्यूज है, एक जीरो से लेके वहां तक जाते हुए कितना एंगल लगता है वो उसकी ओरिजिनल वैल्यू थीटा होती है, और फिर उस लाइन का अपने क्लोजेस्ट एक्स एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल कितना बन रहा है वो उसकी होती है बेसिक एंगल की वैल्यू। हमें क्यों चाहिए होती है वो भी मैं बाद में डिस्कस करता हूँ, ठीक है। तो एक और एग्जाम्पल में देखते हैं। ऑलराइट, इस एग्जाम्पल में देखो जरा, इसकी ओरिजिनल वैल्यू है जीरो से लेकर 330, और इसका इस लाइन का अपने क्लोजेस्ट एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है बेटे वो है अल्फा, दैट इज 30। तो बेसिक एंगल क्या होता है, जो आपने लाइन लगाई हुई है ना जहां तक आपने एंगल फाइंड किया है उसके सबसे क्लोजेस्ट देखना आपने एक्स एक्सिस का एंगल, एक्स एक्सिस कौन सा बन रहा है और उसके एंगल की वैल्यू लिख देनी है। बेसिक एंगल कभी नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होते, बस वो क्लोजेस्ट एंगल होते हैं। अच्छा, इस डायग्राम के ऊपर आप लोग देख के बताते हो बेसिक एंगल कहां नजर आ रहा है आपको और कितना है। अच्छा, ये 80 डिग्रीज हो गया, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये वाले में देखो जरा, इसमें बेसिक एंगल कितना नजर आ रहा है एक्स एक्सिस के साथ, स्मॉलेस्ट एंगल देखो 70, बिल्कुल। अच्छा, एक बात नोटिस करो, ओनली इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बेसिक एंगल और एक्चुअल एंगल सेम होते हैं, ओनली इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बेसिक एंगल और एक्चुअल एंगल सेम होते हैं। अब सर ये डायग्राम देखना, ये डायग्राम हमारी पूरी काम की बेसिक्स हैं जो हमने अभी करना है आगे। पहली चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपने ये अंडरस्टैंड करना है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपके पास किसी भी एंगल की दो वैल्यूज होंगी, जीरो से एंटी क्लॉकवाइज वहां तक पहुंचने के लिए जो वैल्यू आएगी वो उसकी थीटा वैल्यू, ठीक है, और फिर एक्स एक्सिस के साथ जो वो स्मॉलेस्ट एंगल बनाएगा दैट विल बी इट्स बेसिक एंगल, ठीक है। एक्स एक्सिस के साथ स्मॉलेस्ट एंगल इज बेसिक एंगल, तो बेसिक एंगल क्या होगा, एक्यूट एंगल विद एक्स एक्सिस। और मैं अब आपको यहाँ पे एक हेल्प भी कर देता हूं, मैं आपको एक छोटी सी डायग्राम बना के याद भी करवा देता हूं कि ये कहां पे होते हैं बेसिक एंगल्स कहां पे होते हैं। सो आपके पास दो जगह पे बेसिक एंगल बन रहा होगा, ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट का बेसिक एंगल यहां होता है बेटे, सेकंड क्वाड्रेंट का बेसिक एंगल इधर होता है, थर्ड का बेसिक एंगल यहां पे होता है, सॉरी फोर्थ था वो, और सेकंड का यहां पे होता है। सी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट के आपके बेसिक एंगल्स आ जाएंगे, ठीक है, ओके, यहां तक समझ आ रहा है। ये चार जगह याद कर ले ताकि आपको ना बाद में कंफ्यूजन ना हो बेसिक एंगल मार्क करते हुए। अब देखिए जरा, आपने ऊपर वाली डायग्राम से बेशक बेसिक एंगल याद कर ले, तो बेसिक एंगल किधर किधर होंगे, जिन चार जगह के ऊपर बेसिक एंगल है वहीं पे हमेशा मार्क हुआ करेगा। इसको जरा थोड़ा सा मेमोराइज कर ले, दुनिया पे हर एंगल की दो वैल्यूज हुआ करेंगी, जीरो से एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो थीटा आया करेगा, और उस लाइन का अपने क्लोजेस्ट एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल होगा वो हमारा बेसिक एंगल हुआ करेगा। अब हम अगली चीज देखते हैं कि क्या फायदा है हमें अगर ये दो दो वैल्यूज होंगी इसकी, तो उससे हमें क्या फायदा होगा, अगर दो दो वैल्यूज होंगी तो उससे हमें फायदा ये होने वाला है। जरा देखिएगा ट्रिक देखो, अब एक रूल लिखूंगा जो शुरू में आपको नहीं समझ आएगा, फिर मैं बी में एक्सप्लेन करूंगा तो आ जाएगा आपको। ट्रिक रेशियो, ट्रिक रेशियो किसको कहते हैं बाय द वे, डज एनीवन नो, साइन कॉस टैन को, ट्रिक रेशियो हम किसको बोलते हैं, साइन कॉस टैन को। ट्रिक रेशियो ऑफ एनी एंगल अल्फा एनी एंगल थीटा इज इक्वल टू ट्रिक रेशियो ऑफ इट्स बेसिक एंगल अल्फा। अच्छा, ट्रिक रेशियो क्या होती है, ट्रिक रेशियो कहते हैं साइन कॉस टैन को, ट्रिग रेशियो ऑफ इट्स बेसिक एंगल अल्फा, लेकिन ऐसे नहीं, आफ्टर एडजस्टिंग द क्वाड्रेंट साइंस। अच्छा, पहले तो मैं आपको एक डेमो दूंगा, जरा कैलकुलेटर पकड़ने मेरा भाई, कैलकुलेटर पकड़ ले। अच्छा, ये देखते जरा, ये थीटा है 120 और इसका अल्फा है 60। मैंने कहा इनका साइन कॉस टैन की वैल्यू सेम होती है, जरा निकालें साइन 120 निकालें कितना आता है और साइन 60 निकालें कितना आता है, साइन 120 निकालें कितना आता है और साइन 60, जल्दी से कैलकुलेटर पकड़ लें, जिनके पास नहीं है पकड़ लें, सेम आ रहा है 0.866 आ रहा है। अच्छा, अब जरा कॉस निकालें, कॉस 120 निकालें और कॉस 60 निकालें बेटे, cos 120 निकालें और cos 60 निकालें। अब एक मसला आएगा, वैल्यू सेम आ रही है,
cos 120 नेगेटिव आ रहा है हाँ क्योंकि ये किस क्वाड्रेंट में खड़े हो आप सेकंड क्वाड्रेंट में खड़े हुए हो ना तो वो अभी मैं ऑल साइंस टीचर्स क्रेजी कर रहा था ठीक है तो उसके अकॉर्डिंग ये देखो यहाँ पे तो सारे पॉजिटिव होते हैं यहाँ पे क्या होता है साइन का आंसर पॉजिटिव आता है तो जब आप कॉस का आंसर निकालते हो कॉस 120 निकालते हो तो उसका आंसर नेगेटिव आता है ठीक है तो उनके आंसर सेम आते हैं टेन का भी निकालोगे तो टेन भी नेगेटिव आएगा क्योंकि ये कौन से क्वाड्रेंट में हो ये आप सेकंड क्वाड्रेंट में हो तो यहाँ पे कॉस और टेन नेगेटिव आंसर देंगे लेकिन वैल्यू सेम देंगे तो इसलिए हमने ऊपर अब नीचे जाके मैं आपको रूल दिखाता हूं जो मैंने लिखा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अब पड़ोस रहे अब आपको इसकी थोड़ी सी सेंस बनेगी और फिर मैं आपको इसका यूजेज बताता हूं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एनी एंगल थीटा इज इक्वल टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ इट्स बेसिक एंगल अल्फा सेम होती है थीटा और अल्फा की वो साइन कॉस टेन आफ्टर एडजस्टिंग द क्वाड्रेंट साइन ठीक हो गया अच्छा अब हम एक और बात करते हैं यहां तक हो गया अब क्वेश्चन कैसा आता है जिसके अंदर आपको ये यूज करना पड़ेगा सो क्वेश्चन कहेगा विदाउट यूजिंग अ कैलकुलेटर इवेल्युएट क्या इवेल्युएट करना है सो पहले एग्जांपल देखते हैं जी They will ask you to evaluate cos 150. Cos 150 आपने evaluate करना है. अच्छा, तो आपने सबसे पहले क्या किया करना है? आपने cos 150 बना ले. आपने पहले 150 का एंगल बनाना है. आप एक ग्रिड बनाया करोगे. उस ग्रिड के ऊपर 150 का एंगल बना लोगे. जी, आप देखिए बेटे, 150 का एंगल कहाँ पे बनेगा? कौन से क्वाड्रेंट में होगा 150? जरा देखिए बताओ. 150 किस क्वाड्रेंट में बनाओगे? ठीक है, सेकंड में क्वाड्रेंट में बना लोगे. ठीक है, क्योंकि अब आप देखोगे कि सर ये देखेंगे जीरो से लेके यहाँ तक क्या है, ये है थीटा 150. मैं कहूंगा बिल्कुल ठीक है. अच्छा, आप मुझे इसका बेसिक एंगल बताओगे कहाँ पे बन रहा है और कितना बन रहा है? तो अल्फा आ गया बेटे 30 सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर. अभी हम ऊपर एक रूल बोल के आए हैं, जो कॉस 150 का आंसर होगा वही उसके बेसिक एंगल का भी होगा. तो कहना है से कि जो cos 150 का आंसर होगा दैट वुड बी सेम एज cos 30. cos 30 का आंसर जरा देख के बताएं मुझे टेबल से. कैलकुलेटर नहीं अलाउड, टेबल बताएं. cos 30 क्या होता है? अंडर रूट 3/2. तो हम कहेंगे यही आंसर होगा cos 150 का भी, लेकिन आफ्टर एडजस्टिंग द क्वाड्रेंट साइन. जी जरा मुझे क्वाड्रेंट देख के बताएं किसके क्वाड्रेंट में खड़े हैं. क्वाड्रेंट कौन सा है? ये साइन का क्वाड्रेंट है. साइन का क्वाड्रेंट है तो कॉस का आंसर कैसा आना चाहिए यहाँ पे? नेगेटिव. ठीक है, तो कॉस 150 का फाइनल आंसर आएगा आपके पास माइनस अंडर रूट 3/2. अच्छा, आप में से जो इतने स्मार्ट लोग जो सोच रहे हैं कि सर हम कैलकुलेटर यूज कर लेंगे एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा, तो बेटे ये याद कर लें कि आप ना अभी एक ओ लेवल्स के बच्चे हैं जो ए लेवल में आए हैं वो भी बगैर पेपर दिए. तो ए लेवल का एग्जामिनर इतना तो सहना है ही कि उनको पता है उन्होंने मार्क किस तरह डिस्ट्रीब्यूट किए होते हैं कि वो पकड़ लेते हैं कैलकुलेटर यूज करने वाले को. ठीक है, वो भी मैं आगे जाके डिटेल में भी बताऊंगा कि वो कैसे पकड़ते हैं. टेन ऑफ 210 करते हैं. चले पहले तो आप मुझे सोच के बताएं कि मैं 210 कहाँ पे बनाऊं, किस क्वाड्रेंट में बनाऊं? थर्ड में. बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे बना लेते हैं 210. अच्छा सर, इसकी वैल्यू ओरिजिनल मार्क करते हैं जीरो से लेके यहाँ तक, ये है जी 210. जी मुझे बताएं इसका वो कहाँ पे बेसिक एंगल कहाँ है और कितना है? 30, ये बेसिक एंगल आ गया, बेसिक एंगल मार्क हो गया. तो अब हम कहेंगे कि जो 10 210 है वही 10 30 होगा. 10 30 की वैल्यू बताएं कितनी होती है? 1/3. और 10 30 जो होगा वही 10 25 भी और 10 210 भी वही होगा. 1/3, but after adjusting the quadrant sign. जी किसके quadrant में खड़े हो? 10 कितने quadrant में हो? और 10 का answer वहाँ पे कैसा आना चाहिए? Positive. जाहिर है मैं positive लिखने की तो जरूरत नहीं है, लेकिन वो decision आपने लेना है वहाँ पे. ठीक है, all right. एक आप लोग करोगे. So ये आगे ना P3 में भी ये बहुत ज़्यादा काम आती है. ये working बड़ी एक important working है. ओके जी, सो लेट सपोज इफ वी हैव 10 होंगे, ओके, कॉस ऑफ
if I want to do sine of 300 in 300 plus, sine of 300 nikalna hai, to pehli baat to aap sochoge ki 300 aap banaoge kahan. Acha, so angle aa gaya 300 aur fourth quadrant mein, bilkul sahi keh rahe ho. Iske basic angle kitna banaoge bete? 60, ye basic angle aa gaya iska 60. तो अब आप क्या बोलोगे कि जो साइन 300 का आंसर होगा वही साइन 60 का आंसर होगा, और साइन 60 का आंसर टेबल से बताओगे, अंडर रूट 3 ओवर 2 होता है, और फिर आप कहोगे जो साइन 60 है वही साइन 300 होना चाहिए, तो साइन 300 भी क्या होगा, अंडर रूट 3 ओवर 2 होगा, बिल्कुल. लेकिन आफ्टर एडजस्टिंग द क्वाड्रेंट साइन, ठीक है, तो पहले क्वाड्रेंट साइन एडजस्ट करो. किसके क्वाड्रेंट में खड़े हुए हो आप, कॉस के क्वाड्रेंट में, कॉस के क्वाड्रेंट, हाँ जी, साइन का आंसर कैसा आना चाहिए आपके पास, नेगेटिव आंसर, ठीक है. ये जो हरकत है ये हमारी बेसिक है ट्रिग्नोमेट्री की. अब मैंने जब शुरू किया था तो तब जरा स्कैटर्ड बातें लग रही थी, अब जरा मैं ऊपर से एक दफा रिवाइज कराता हूँ, इट विल ऑल मेक सेंस टू यू. पहली बात, हर एंगल जीरो से शुरू हुआ करेगा, एंटी क्लॉकवाइज में जाया करेगा, फिर चार क्वाड्रेंट से पहला दूसरा तीसरा चौथा आपको नेमिंग से ही से आनी चाहिए. दूसरी बात, किस क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है क्या नेगेटिव होता है उसके निमोनिक्स याद कर लो. निमोनिक्स बहुत सारे हैं, जिसका जो दिल करता है वो याद कर ले, ठीक है. ऑल साइंस टीचर्स क्रेजी, ऑल सिल्वर टी कप्स, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है. एक है जो बच्चों को बड़ा फेवरेट है, वो मैं तुम्हें बता देता हूँ, वो है आ सजना टुर चलिए, ठीक है. तो ASTC, ठीक है, आ सजना टुर चलिए, तो ये लोग काफी इंजॉय करते हैं, तो मैंने कहा तुम्हें बता देता हूँ. अच्छा, और एवरी एंगल हैज टू मेन वैल्यूज. हाँ, अब ये क्रिटिकल बातें हैं. Every angle has two main values, ठीक है? एक तो उसकी original value है जो zero से लेके होती है, और दूसरी value है जी उसकी जो उसका basic angle है. और basic angle कहाँ से होता है जी? Basic angle आपका हमेशा x-axis के साथ smallest value होता है. जिनको confusion हो ये वाली diagram अच्छे तरीके से रट्टा लगा लें, याद कर लें, ठीक है. ये diagram आपको काम आएगी, ठीक है, कि आपका कहीं पे भी बना हो एंगल तो आपको पता होगा कि आपने बेसिक एंगल कहाँ पे बनाना है. ऑल राइट, उसके बाद हमने देखा कि किसी भी एंगल की दो वैल्यूज होती है हमेशा, एक तो ओरिजिनल जीरो से वहां तक जाने की और एक बेसिक एंगल. सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट ऐसा है जिसमें जो ओरिजिनल एंगल की वैल्यू है वही बेसिक एंगल की वैल्यू होती है, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसे हो रहा होता है. और फिर हमने सबसे इंपॉर्टेंट रूल पढ़ा कि किसी भी एंगल थीटा की साइन कॉस टैन की वही वैल्यू होती है जो उसके बेसिक एंगल के साइन कॉस टैन की होती है, सिर्फ प्लस माइनस का फर्क होता है. बेसिक एंगल के साइन कॉस टैन हमेशा पॉजिटिव आएंगे, आपने क्वाड्रेंट देख के थीटा के प्लस माइनस को डिसाइड करना होता है. व्हाट इफ यू हैव कॉस 135 जी, अब देखिए हमने 135 बनाया होगा सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है, और आपने उसका ओरिजिनल एंगल जीरो से मेजर किया होगा यहाँ तक, ये 135 आ गया, और इसका बेसिक एंगल बन रहा होगा यहाँ पे, ये अल्फा आ गया बेटे आपके पास 45. तो अब आप बोलोगे कि जो cos 135 था वही cos 45 होता है, और cos 45 होता है 1 over under root 2. तो आप कहोगे बिल्कुल ठीक है, यही वैल्यू जो होगी ये cos 135 की भी होनी चाहिए, 1 over under root 2. अब आप करोगे क्वाड्रेंट का एनालिसिस. अब सेकंड क्वाड्रेंट में खड़े हो, वहां पे साइन पॉजिटिव होता है, cos और tan के आंसर्स नेगेटिव आने चाहिए, ठीक है, तो वहां पे आप नेगेटिव लगा दोगे, एंड दैट्स इट. ये इस जब शुरू किया था तो हर चीज स्कैटर्ड थी, अलग अलग हो रही थी, बेसिक एंगल अलग आ रहा था, क्वाड्रेंट्स के नाम अलग दे रहा था मैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अलग अलग चल रहा था. अब ये आखिरी वाली एग्जांपल में सब कुछ इकट्ठा अप्लाई हो रहा होता है, तो इट ऑल शुड मेक सेंस.